तो दोस्तों आप सबका स्वागत स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर। आज मैं आपको सेक्स के जिनको सपने आते हैं, सपने में यूं महसूस होता है कि सेक्स कर रहे हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद में मन में बहुत गिलानी होती है, तो जिनको सेक्स के सपने आते हैं उनके लिए मैं विशेष टिप्स आपको दे रहा हूँ। तो ये वैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन इस पे कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। मैं इसके लिए आपको कुछ दो तीन घरेलू नुस्खे दूंगा जिससे इस तरह के स्वप्न आने बंद हो जाते हैं। नंबर एक, आंवले का मुरब्बा रोज खाने से और ऊपर गाजर का रस पीने से सेक्स संबंधी कोई ख्वाब या स्वप्न नहीं आएंगे। तुलसी की जड़ के टुकड़े को पीसकर पानी के साथ पीना लाभकारी होता है। अगर जड़ नहीं उपलब्ध हो तो तुलसी के बीज दो एक चम्मच शाम के समय आप पानी से पिए। ये प्रयोग आप एक महीना, कोई भी प्रयोग एक महीना कर सकते हैं। अगला जो प्रयोग है, लहसुन की दो कली कुचल कर निगल जाएं, थोड़ी देर बाद गाजर का रस पिए। ये प्रयोग महीना 20 दिन करने से सेक्स संबंधी कोई सपने नहीं आएंगे। और जो घरेलू प्रयोग हैं, मुलेटी का चूर्ण आधा चम्मच और आग की छाल का चूर्ण एक चम्मच दूध के साथ लें। देखिए ये नुस्खा बहुत पुराना है, इसको आप न करें। और यदि आपको इसे करना हो तो योग्य चिकित्सक की राय लें। मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि इसको आप करें, क्योंकि आग की छाल उसका मेरे को देखना होगा, इसलिए इसे अभी फ़िलहाल आप पेंडिंग में डाल दें। और जो अगला प्रयोग है, काली तुलसी के पत्ते 10 से 12 रात को पानी के साथ लेके सोएंगे तो आपको सेक्सी ख्वाब नहीं आएंगे रात को। अगला जो प्रयोग है बहुत अच्छा है, ये करें आप। एक बड़ा लोटा के अंदर या एक लीटर पानी के अंदर करीब आप 20 ग्राम त्रिफला का चूर्ण आप डाल दें और उसको पड़ा रहने दें। सुबह उसको खूब हाथ से मसल करके और सूती कपड़े में दो बार छान करके उस पानी को पी जाएं। ऐसा आप 21 दिन करेंगे तो आपकी कई बीमारियां ठीक होगी और सेक्स संबंधी आपको सपने नहीं आएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। अगला प्रयोग घरेलू, अदरक का रस 2 चम्मच, प्याज का रस 3 चम्मच, शहद 2 चम्मच, गाय का घी 1 चम्मच, इनको मिला करके और लेने से स्वप्न दोष भी ठीक होगा और मर्दाना ताकत भी बढ़ेगी। और इसके अलावा आपको सेक्स के सपने नहीं आएंगे। अंतिम जो मैं घरेलू टिप्स आपको दे रहा हूँ वो सबसे सरल और निर्दोष हैं और कोई पैसा कौड़ी का खर्च नहीं। नीम की पत्तियाँ 10 से 11 से ज़्यादा न लें आप, और वो भी छोटी साइज की लें जो अंकुरित हो।
नीम की पत्तियां आप चबा करके 8-10 पत्ती रोज चबा करके खाने से, ये प्रयोग 21 दिन का है। स्वप्न दोष की जिनको प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। नीम के अंदर इतनी तरी होती है, ठंडक होती है कि जिनको स्वप्न दोष होता है तो वीर्य के अंदर पतलापन होता है, उसमें रुकावट की ताकत नहीं होती। तो नीम की पत्तियां खाने से एक तो रक्त की शुद्धि होती है, रक्त की शुद्धि होती है तो वीर्य की शुद्धि होती है, वीर्य की शुद्धि होती है तो वीर्य गाढ़ा होता है। वीर्य जब गाढ़ा होगा आपका तो स्वप्न दोष यानी कि स्वप्न के अंदर आपका वीर्य पात नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने ये कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं, तो इसका टाइटल तो यही है कि सेक्स संबंधी जो सपने आते हैं वो इन प्रयोगों से बंद हो जाते हैं, इसके साथ स्वप्न दोष भी ठीक होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें।